सो वेलकम ऑल ऑफ यू वी एम एस ट्वेल्व पे आप सभी का स्वागत है। प्रॉब्लम कॉची इंटीग्रल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनके डिस्कशन करते हैं। बिफोर वाट दिस माई वीडियोज सोल्यूशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप चाहूँगा जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो ज़रूर मुझे प्रोवाइड करें आप कमेंट बॉक्स में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। यूजिंग इंटीग्रल टेस्ट डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो सिंपल सा टास्क, आपका टारगेट क्या है वो आप समझो। जो टारगेट है लिमिट ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक। अब अगर ये फाइनाइट और इनफाइनाइट दो चीज़ें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होगी, फाइनाइट तो ये होगा हमारा कन्वर्जेंट एंड अगर इनफाइनाइट है तो डाइवर्जेंट। ध्यान रखना फाइनाइट एंड यूनिक कहें तो बेटर होगा, फाइनाइट एंड यूनिक कहिए क्योंकि ये फाइनाइट एंड यूनिक मिलेगा तभी हम कहेंगे कि कन्वर्जेंट है। तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस को लेकर के। फर्स्ट ये दिया हुआ है एन इज इक्वल टू टू से लेकर के इनफाइनाइट है, वन अपॉन एन लॉग एन है, तो एफ एन की बारी होगी, एफ एन हमारे पास हो गया वन अपॉन एन लॉग, ठीक। तो चलिए फाइंड करते हैं इंटीग्रल्स। तो इंटीग्रल पहला हमारा होगा ए टू इन्फिनिटी जो एफ एक्स डी एक्स की बात करेंगे हम, तो इंटीग्रल ए हमारे यहाँ टू है मतलब टू से लेकर के इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इसको अब इंटीग्रेट करना है सिंपली, आपको पता है कैसे इंटीग्रेट करना है, चाहे तो आप कंसिडर कर सकते हैं लेट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, वन बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एंड नाउ चेंज द लिमिट। लिमिट को चेंज करके देख लीजिए, यहाँ एक्स रखना है, यहाँ टी रखना है, यहाँ टू है इनफाइनाइट है, तो टू रखेंगे तो आपका आ जाएगा लॉग टू और ये इनफाइनाइट, मतलब तो जो लिमिट होगी टू से लेकर के इनफाइनाइट हो जाएगी लॉग टू से लेकर के लॉग टू टू। लॉग टू टू इन्फाइनाइट और वन बाई एक्स डी एक्स जो है ये इतना वाला पोर्शन जो है यहाँ पर ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो मतलब यहाँ आप ऐसे लिख लीजिए इसको लॉग एक्स अलग और फिर डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स को टी लिख लेंगे, दिस इज अ लॉग टू टू इन्फाइनाइट और वन बाई टी डी टी, ठीक। और इसको सिंप्लीफाई करना है दैट इज़ द लॉग ऑफ टी, मिल गया, और लिमिट मिल जाएगी लॉग टू से लेकर के इनफाइनाइट, सो दिस इज द लॉग ऑफ इनफाइनाइट माइनस लॉग लॉग टू, तो दैट वैल्यू इज इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मिल गया, इट मीन्स ये क्या मिल गया आपका जो गिवन है वो हमारा क्या हो गया डाइवर्जेंट हो गया, दिस इज द डाइवर्जेंट। कहने का सेंस ये हुआ कि जो लिमिट है n इज इक्वल टू 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 इन्फाइनाइट वन अपॉन n log n इज डाइवर्जेंट, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर टू क्या है हमारे पास देख लेते हैं, टू से लेकर है क्यूब है, तो आइए टू पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू समेशन n इज इक्वल टू 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 इन्फाइनाइट वन अपॉन एन लॉग एन होल क्यूब, ठीक। इसका अरेंजमेंट सिंपली पहले एफ एन हम फाइंड कर लेंगे, एफ एन हमारे पास हो जाएगा वन अपॉन एन लॉग एन का होल क्यूब, ठीक। और इंटीग्रेट अब ए टू इन्फाइनाइट एफ एक्स डी एक्स या एन एक्स डी एस, जो एफ एन डी एस जो लिखना है आपको, तो यहाँ टू टू इन्फाइनाइट वन अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स, एफ एन है तो एफ एक्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ एक्स आपको यहाँ से ऑलरेडी
n को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये मिल जाएगा, ठीक मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करना है सिंपल, सो लेट फिर से क्यूब है तो यहाँ पे क्यूब हो गया, तो अब लेट log ऑफ x इज इक्वल टू t, इम्प्लाइड दैट 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर dt, और जैसे ही फाइंड हो गया बस चेंज द लिमिट, लिमिट को भी चेंज कर लेंगे, लिमिट x t टू इन्फाइनाइट, तो टू रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, log टू आ जाएगा, और इन्फाइनाइट रखेंगे तो log इन्फाइनाइट का मतलब इन्फाइनाइट हो गया, ठीक। अब रीअरेंजमेंट फिर से करना है इसको, ये हो गया log टू से लेकर इन्फाइनाइट, ये अनुपॉन log x के जगह t हो जाएगा, तो t का q हो जाएगा और ये अब dt हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करिए तो ये हो जाएगा t के पावर माइनस थ्री प्लस टू अपॉन माइनस थ्री प्लस टू, और लिमिट log टू से लेकर के इन्फाइनाइट। अब सिंप्लीफाई करना है, देखिए माइनस सॉरी वन होगा नॉट टू, वन यहाँ पर वन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस टू, ठीक है, ब्रैकेट वन अपॉन टी स्क्वायर इन्फाइनाइट टू लॉग ऑफ टू। अब रीअरेंजमेंट सिंपली माइनस वन बाई टू, ठीक, वन अपॉन इन्फाइनाइट माइनस वन अपॉन लॉग ऑफ टू का होल स्क्वायर, ठीक, और ये इन्फाइनाइट है तो ये पहला टर्म जीरो होगा, जीरो माइनस लॉग टू का होल स्क्वायर, सो मिला करके जो आपका रिजल्ट मिला टू लॉग टू, और वैल्यू क्या हुई है फाइनाइट, मेन हमारा फोकस क्या है, हमें फाइनाइट मिलना चाहिए, सिंपल सा जो हमारा मेन मोटो है हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट, मतलब जो हमें मिला ये आपका टू से लेकर के इनफाइनाइट वन अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स क्यू डी एक्स इज इक्वल टू फाइनाइट, और ये फाइनाइट इंटीग्रल मिल गया मीन्स कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट, तो इट इज ये क्लियर हो गया कि समीशन एन इज इक्वल टू 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 इनफाइनाइट वन अपॉन एन लॉग एन का होल क्यू है, ये क्या हुआ हमारा इज कन्वर्जन, ये कन्वर्जन मिल गया, बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर टू का कन्वर्जेंट हो गया। तो अब सिमिलरली जो थ्री है आप इसी तरह थ्री वाला जो पोर्शन है इसको भी कन्वर्जन चेक कर सकते हैं, ये थ्री थर्ड जो है दिस इज थर्ड वाला सेम कंसेप्ट है, तो ये आंसर हमारा है कन्वर्जन, ठीक। अब हम इस क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास फोर एंड फाइव है इसकी बात करेंगे, आइए फोर एंड फाइव के सॉल्यूशन पे आते हैं हम आगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, थर्ड को आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो थर्ड की बात हमें यहाँ पे करनी है सिंपली, तो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे फिर से इस क्वेश्चन की बात करते हैं फोर की, तो फोर जो क्वेश्चंस है यहाँ पर पहले समेशन एन इक्वल टू वन टू इन्फाइनाइट वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर है, तो चाहे आप इसकी कंपेयर कर दीजिए वन टू इन्फाइनाइट एफ एन से, और एफ एन से कंपेयर करके एफ एन फाइंड कर लीजिए वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर, और इससे अगर चाहें तो आप एफ एक्स निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर निकल गया, एफ एक्स जैसे फाइंड आउट हो गया अब आगे के सेंस को देखना है, तो जैसे एफ एक्स कन्वर्ट होगा अब जो इंटीग्रल की लिमिट होती है ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इसको चेक करना है, तो वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये क्या आपका है दिस इज टैन इनवर्स एक्स लिमिट वन टू इन्फाइनाइट, तो दिस इज
tan inverse infinite minus tan inverse 1. ठीक, और tan inverse infinite का मतलब होता है pi by 2 और ये हो गया pi by 4. सिंप्लीफाई कर लीजिए तो pi by 4 आ जाएगा आपका, 2 pi minus pi, pi by 4. तो वैल्यू क्या हुई, ये फाइनाइट हो गया. तो जैसे फाइनाइट मिल गया तो हम कह देंगे कि क्या है, ये कन्वर्स है, कन्वर्जेंट. मतलब जो सीरीज है 1 टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट, ठीक है, बाय कॉची इंटीग्रल टेस्ट. तो भाई कॉची इंटीग्रल टेस्ट से ये कन्वर्जेंट हो गया. बस अब इसी तरह पांचवे वाले को भी हम कर सकते हैं, सेम कंसेप्ट है. आइए फाइव नंबर को भी ले लेते हैं. क्वेश्चन फाइव, समेशन इंटीग्रल्स के साथ ही दे दिया है तो जरूरत ही नहीं है. 0 to 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये दिया हुआ है, वन लिमिट. सिंपल से चेक करना है, सिर्फ इंटीग्रल को देखना है कि अगर फाइनाइट मिलता है, ये है आपका है साइन इनवर्स एक्स है और लिमिट है आपकी 1 to 0. देखिए साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, तो ये हो गया साइन और ये साइन पाई बाई 2, 1 के लिए होता है पाई बाई 2 और माइनस साइन साइन 0 और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा पाई बाई 2 मिला के हुआ फाइनाइट. तो जैसे फाइनाइट मिल गया तो फाइनाइट मिलने का मतलब ये होता है कन्वर्जन. इसी को इस तरह से भी लिखा जा सकता था, एन इक्वल टू 1 to infinite 1 upon 1 माइनस एन स्क्वायर, ये ऐसे भी हो सकता था सीरीज चेकआउट इस तरह से कर सकते थे. तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्यूशन कर पाएंगे. सो टेक केयर, थैंक यू.